से खफा हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, कोख तेरी मेरी कब्रगाह हो गई, कोख तेरी मेरी कब्रगाह हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई, क्या थी मेरी खता तू जरा तो बता, जुर्म क्या था मेरा फिर मिली क्यों सजा, जिंदगी कोख में ही फना हो गई, जिंदगी कोख में ही फना हो गई। माँ तू क्यों मुझसे खफा हो गई। दुनिया को बहुत हैरान करती हैं लड़कियां, सच में दुनिया को बहुत हैरान करती हैं लड़कियां। एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं, एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं, फिर चाहे लाख मारने की कोशिश करो फिर भी बच जाती हैं लड़कियां। सच में दुनिया को बहुत हैरान करती हैं लड़कियां, एक तो बिना बताए कोख में आ जाती हैं, फिर चाहे लाख मारने की कोशिश करो फिर भी बच जाती हैं लड़कियां। ठीक से खाने को ना दो, ठीक से खाने को ना दो फिर भी देह बढ़ती ही जाती है, ठीक से खाने को ना दो फिर भी देह बढ़ती ही जाती है। फटे पुराने कैसे भी कपड़े पहनाओ फिर भी सुंदर दिखती रहती है लड़कियां। ठीक से खाने को ना दो फिर भी देह बढ़ती ही जाती है, फटे पुराने कैसे भी कपड़े पहनाओ फिर भी सुंदर दिखती रहती हैं लड़कियां। गरीबों की तरह पढ़ाओ, गरीबों की तरह पढ़ाओ फिर भी मेरिट में आ जाती हैं लड़कियां, गरीबों की तरह पढ़ाओ फिर भी मेरिट में आ जाती हैं लड़कियां। लाख पराई कह दो, लाख पराई कह दो फिर भी अपनापन दिखलाती हैं लड़कियां, लाख पराई कह दो फिर भी अपनापन दिखलाती हैं लड़कियां। चाहे पहले घर की चार दीवारी तक न लांघ पाई हो, चाहे पहले घर की चार दीवारी तक न लांघ पाई हो कभी, मगर पति की बीमारी पे नौकरी को चली जाती हैं लड़कियां, पति की बीमारी पे नौकरी को चली जाती हैं लड़कियां। चाहे खुद के लिए कभी आवाज न उठाई हो, चाहे खुद के लिए कभी आवाज न उठाई हो मगर बच्चों के लिए जमाने भर से लड़ जाती हैं लड़कियां, चाहे खुद के लिए कभी आवाज न उठाई हो मगर बच्चों के लिए जमाने भर से लड़ जाती हैं लड़कियां। वैधव्य हो या तलाक, वैधव्य हो या तलाक, उम्र भर मृत रिश्तों को ढोती हैं लड़कियां, वैधव्य हो या तलाक, उम्र भर मृत रिश्तों को ढोती हैं लड़कियां। खुद से अनजान, खुद से अनजान मगर घर के लिए हमेशा परेशान रहती हैं लड़कियां, खुद से अनजान मगर घर के लिए हमेशा परेशान रहती हैं लड़कियां। शायद सही कहती है ये दुनिया, शायद सही कहती है ये दुनिया कि लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती है, शायद सही कहती है ये दुनिया कि लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती है। अगर सच में सिर में होती ना तो उनकी दुनिया ऐसी ना होती, शायद सही कहती है दुनिया कि लड़कियों की अक्ल घुटनों में होती, अगर सच में सर में होती तो उनकी दुनिया ऐसी ना होती। सच में मेरी तो समझ से परे हैं लड़कियां, मेरी तो समझ से परे हैं लड़कियां। मुंबई के गोरेगांव इलाके में मंगलवार शाम साहित्य के विषय पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम का आयोजन आशीर्वाद संस्था द्वारा किया गया। साहित्य जगत से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुंबई की कई कवित्रियों ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर आशीर्वाद संस्था द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक मुंबई की हिंदी कवित्रियां का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की खासियत ये थी कि इसमें मुंबई की 128 कवित्रियों की कविताओं का संग्रह प्रकाशित किया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान मुंबई की कई कवित्रियों ने इस कार्यक्रम में आयोजित काव्य संगोष्ठी में भी हिस्सा लिया। संगोष्ठी के दौरान कवित्रियों की कविताओं से कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने साहित्य के पद्य रूप का लुत्फ उठाया। आयोजन में आई कवित्रियों ने कविता के माध्यम से कई विषय पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की भी कोशिश की। सेनापति गुरु द्रोण रथ पर आ गए कुरुक्षेत्र में, ये धनुर्धर महान दिग्गज कौरवों के पक्ष में, साध कर जब तीर पांडव वश पर तनकर खड़े, आंख से आंसू छलककर बूढ़े गालों पर पड़े। सामने अर्जुन खड़ा था, सामने अर्जुन खड़ा था, क्या ये दुश्मन है मेरा, हाय निष्ठुर नाथ मैंने क्या बिगाड़ा था तेरा,
ये वो बालक है जो मुझको प्यारा था जी जान से, अपने सारे गुण सिखाने थे मुझे अरमान से। एक लव्य का भी अंगूठा छल से मांगा था मैंने, भील बालक का अंगूठा छल से मांगा था मैंने, कोई अर्जुन सा धनुधर ना हो ये चाहा मैंने। आज उसी अर्जुन का सीना बेध दूं मैं तीर से, आज उसी अर्जुन का सीना बेध दूं मैं तीर से, ओ विधाता न्याय कर मेरी ही छाती चीर दे। आ आओ कुंती पुत्र चल हम उड़ चले उस देश में, तू हो नन्ना शिष्य मेरा मैं गुरु के वेश में। सुन सका अर्जुन न द्रोणाचार्य के मन की व्यथा, कृष्ण के उपदेश ने जादू सा उस पर कर दिया। कर रहे थे कर्म क्षत्रिय धर्म का निर्वाह सब, और उधर कर रह गए संबंध के धागे थे अब। विष पूछे बस तीर थे बीच दोनों पक्ष के, धड़ कहीं गिरते धरा पर बाण लगते वक्ष में। अश्वत्थामा मर गया दुर्योधन युधिष्ठर ने किया, नर नहीं हाथी था वो ये वाक्य धीमा कर दिया। पुत्र की मृत्यु से दुख ने द्रोण को विचलित किया, धर्मराज होकर युधिष्ठर क्यों अधर्म में बन गया। सनसनाता तीर पांडव पक्ष से आकर लगा, रणवीर द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से ना बच सका। था धरा पर शव आत्मा उड़ चली निष्धाम को, शास्त्र धर्म तो बच गया, शास्त्र धर्म तो निभ गया। क्या नाम दे अपराध को। हाँ, ये ठीक है कि ये हवा है जो बहती है बिना कोई नागा किए हुए। सूरज भी सुबह आता है और शाम डले घर लौट जाता है। खुला आसमां है, हरा भरा जहां भी है। फिर भी तू मेरे बैंक का कर्ज माफ करा दे, मेरे लिए एक अच्छा सा मकान दिलवा दे। अपने हाथों से जो गुत्थियाँ उलझाई हैं मैंने, इन्हें सुलझा दे, तो फिर मैं मानूं कि हाँ तू है, तेरा भी वजूद है। क्यों माँ, क्या बातें कर रहे थे चाचा पापा और दादी? क्या जन्म लेने से पहले ही कर रहे थे मुझे मार डालने की तैयारी? चौंको मत माँ, कल रात जब दीवार से कान लगाए तुम सुन रही थी उनकी बात, तब मैं भी तो थी तुम्हारे साथ। क्या जो वो चाहते हैं तुम हो जाने दोगी? गोद में आने से पहले ही अपनी चकोर को खो जाने दोगी? ना, रोना मत माँ, इन आंसुओं को पोंछोगी तभी तो मुझे बचा पाने की सोचोगी। भीगी आंखों में छलछला गई जीवन के मुस्कान, अब चाहे जो हो जाए जान पर खेल कर भी बचाऊंगे अपने चकोर की जान। कार्यक्रम के आखिर में जाने माने शायर और हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार इरशाद कामिल ने भी चंद अल्फाज कुछ इस तरह बयां किए कि श्रोता दीर्घा में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। वो कागज की खुशबू, वो स्याही की खुशबू, वो लफ्जों का एहसास, वो अपनेपन का एहसास, एक रिश्ता उस कागज के साथ, उस शब्द के साथ, उन लफ्जों के साथ जो इस तरह से बनता है, जो बोल के बात होती है वो SMS में तो नहीं होती ना। आप यहाँ इस तादाद में मौजूद हैं, जैसा इन्होंने बोला कि मैं कुछ सुनाऊंगी आपको, मैं कुछ इस तैयारी के साथ आया नहीं था कि मैं आपको सुनाऊं, फिर भी दो छोटी छोटी चीज़ें आपको उन्हें बधाई देने से पहले सुनाना चाहता हूं कि धूप थी वो, मिलने वो आता रहा, रोज़े हशर टलता रहा। मिलने वो आता रहा,
रोजे हशर टलता रहा, आग के आगोश में आंसू कोई पलता रहा। मिलने वो आता रहा, रोजे हशर टलता रहा, आग के आगोश में आंसू कोई पलता रहा। धूप थी वो, उसको भी था साथ में सिमटना। धूप थी वो, उसको भी था साथ मेरे सिमटना। वो भी मध्यम हो गई कुछ, मैं भी कुछ ठहरता रहा। एक हिंदी के सम्मेलन, हिंदी की कविताओं, हिंदी की कवित्रियों और हिंदी की किताबों के लिए, और सबसे ज्यादा ये आपके लिए, मैं भी कुछ लोगों ने ये कविता सुनी होगी, बेरियां आपको सुना देता हूँ। माए बेरियां जंगल की, हर एक जंगल कहाँ जानता है बेरियों के महत्व को। बेरियां होना चाहती हैं गांव की पगडंडियों की, तने पर पटके जाएं बस्ते, तख्तियां, मैली किताबों के थैले, और उछलें छोटे छोटे पत्थर। मई और जून की टिकी दोपहर में बेरियां देंगी बेर, बेरों से भी ज्यादा समृद्धियों के ढेर। पत्नियां बेरियां पिछवाड़े की, घर के मालिकों का जितना हक होता है बेरियों पर, उतना हक कभी नहीं समझती अपना घर पर। फिर भी फैलाती हैं जड़ें घर की नीम तक, कभी कभी तने से देती हैं दीवारों को सहारा, कभी हवा के झोंके से गिराती हैं बेर। सभी घर वालों को कहां पसंद आते हैं पिछवाड़े की बेर। बहने बेरियां आंगन की, आसपास बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बेरियों के चारों ओर चाहिए बाड़। बेरियां जब हो जाती हैं दीवारों से ऊंची, तो झुक जाती हैं किसी दूसरे आंगन में। बेर भी हो जाते हैं उसी आंगन के, तना भी हो जाता है, जड़े रह जाती है केवल इस आंगन। बेरियों में बेर भी होते हैं कांटे भी, बेरियां बेर देती हैं अक्सर। बेरियां पीपल नहीं होती, बेरियां बेरियां होती हैं। बेरियां पूजा नहीं मानती, बेरियां प्रेम मानती हैं, और बेरियां देती हैं बेर। आशीर्वाद संस्था ने साहित्य के उत्थान के लिए हमेशा ही योगदान दिया है, और संस्था के प्रमुख का कहना है कि साहित्य को संस्था का योगदान हमेशा मिलता रहेगा। हमने 2012 में मुंबई के हिंदी कवि नाम से एक पुस्तक निकाली थी, जिसमें 175 कवियों को हमने समावेश किया था। उसमें कवित्रियाँ और कवि दोनों थे, लेकिन कवित्रियों का आग्रह था कि हम कवित्रियों का एक अलग से संग्रह निकाला जाए, तो इसलिए 6 साल के बाद हमने ये संग्रह निकाला, जिसमें 127 कवित्रियाँ हैं, जिनका फोटो और परिचय और उनकी रचनाएं 2 पेज में हमने दिया है। 127 कवित्रियाँ हैं, और इसी प्रकार के साहित्य का आयोजन आशीर्वाद संस्था पिछले कई वर्षों से कर रही है। इसी हाल में हमने कुछ वर्ष पहले 24 घंटे का कवि सम्मेलन भी किया था, जो निरंतर 24 घंटे चलता रहा, 1 मिनट का भी विश्राम नहीं किया था। एक कवि आता और दूसरे को माइक दे देता था, इस प्रकार चला था। और हम लोग हिंदी के प्रचार के लिए कई वर्षों से काम कर रहे हैं, ख़ास तौर से जितने सरकारी कार्यालय हैं, भारत सरकार के केंद्रीय कार्यालय हैं, उनमें जो हिंदी का काम होता है, उनकी हम रिपोर्ट मंगा करके उनको हम अवार्ड देते हैं, जिसमें भारत सरकार के कार्यालय हैं, बैंक हैं और पब्लिक सेक्टर के कार्यालय हैं। ये कार्य हम पिछले 24 सालों से कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर मौजूद वरिष्ठ पत्रकार विश्वनाथ सचदेव ने बताया कि आज का युवा वर्ग साहित्य के प्रति उदासीन जरूर है, लेकिन अगर माध्यम बदलकर चीजों को उनके सामने परोसा जाए तो साहित्य में रुचि अब भी पैदा की जा सकती है।
देखिए, ये आशीर्वाद के कार्यक्रमों की एक खासियत ये होती है कि कुछ नया करते हैं। मुझे दिखा कि मुंबई शहर की इतनी सारी कवित्रियों को इकट्ठा करना और उनका एक संकलन तैयार करना, उस संकलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचना, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, मुझे लगता है एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिस पर थोड़ा सा रश भी होता है कि कवित्रियों की क्यों हो रही है, कवियों का क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, जैसे कवियों का भी हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि मुंबई के पाठक, हिंदी के पाठक खासतौर पर कविता के प्रेमी, इन कविताओं का आनंद लेंगे और इन कविताओं के माध्यम से उन महिलाओं को, मानस को जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह के सोच है उनका, क्या सोचते हैं वो समाज के बारे में, देश के बारे में, व्यक्ति के बारे में, ये सारी चीज़ें इन कविताओं में दिखाई देंगी हमको। साहित्य पत्रकारिता से कोई साहित्य का कोई ज़रूरी रिश्ता नहीं होता है, साहित्य अपनी जगह है, पत्रकारिता अपनी जगह है और युवाओं में साहित्य के प्रति वो रुचि अब नहीं दिखाई देती जो आज से 50 साल पहले या 60 साल पहले थी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि साहित्य के प्रति अरुचि पैदा हो गई है उनमें, अगर उन तक पहुंचा जाए, सही तरीके से उन्हें साहित्य पहुंचाया जाए तो निश्चित रूप से मुझे लगता है आज का युवा साहित्य को स्वीकार करेगा और उसके माध्यम से अपने आप को कुछ संवारने की कोशिश करेगा। कवित्रियों को प्रोत्साहन के लिए इस खास पुस्तक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुस्तक की संपादिका और मौजूद सभी कवित्रियों ने पुस्तक और आयोजन के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। जी, ये अजूबा है, खासकर वुमेन्स डे नज़दीक आ रहा है, इसलिए हमने सोचा दिस विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम दैट हम इस संकलन को ले आए। इसके लिए हमने जितनी भी मुंबई की कवित्रियाँ हैं उनको सबको रिक्वेस्ट किया कि वो अपनी प्रतियाँ भेजें, पोइम्स भेजें, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया कि हमें 128 पोइट्रीज मिली हैं। तो 128 पोइट्रीज का ये संकलन हमने बनाया है और सबके समक्ष पेश किया है, और हम लगातार वुमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम्स आशीर्वाद करती जा रही है। हर साल हम प्रोग्राम्स करते रहे हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया था, टाउन में किया था, उसके पहले भी हम करते रहे हैं और लगातार आगे भी करते रहेंगे। आज के कार्यक्रम के बारे में आप देख ही रहे हैं कि क्या मतलब रंग बिरंगे, लाल, पीले, नीले, सब तरह की कवित्रियाँ आई हुई हैं और मतलब अपनी तरह का अनोखा है ये। और आपने पढ़ा होगा कार्यक्रम के बारे में भी कि पहली बार ऐसा हुआ है जब सिर्फ कवित्रियों का संग्रह छपा है, तो ये शुरुआत बड़ी अच्छी है। और हम लोग जो कवित्रियाँ हैं उनके अंदर एक एनर्जी मतलब पैदा हुई है और लगता है कि मतलब राहें जो हैं हर तरफ से खुल रही हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चाहे जहां चले जाओ। जो आज उड़ने की बात है ना, पंख लगने की बात है ना, उन पंखों के सहारे उड़ा जा सकता है। और हमको जगह देने के लिए मतलब कमी नहीं है, हम क्यों नकारात्मक सोचे, सकारात्मक सोचिए ना तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। और दुनिया बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और इस खूबसूरत ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं करने के लिए, उसमें आज का ये कवि सम्मेलन है, कवयित्री सम्मेलन। आप देखिए, आनंद लीजिए, बहुत सुंदर सुंदर रचनाएँ पढ़ी जा रही है और खूबसूरती को अपने अंदर लेकर जाइए अपने साथ। मैं चित्रा देसाई, और आज ये जो गोष्ठी है, दरअसल ये किताब आ रही है जिसमें मुंबई की कवित्रियाँ सब एक साथ, लगभग 127-128 कविताएँ हैं इसमें और उतनी ही कवित्रियाँ हैं। तो मुझे बहुत फ़ख्र है कि इतनी सारी एक ही शहर में जो कवित्रियाँ रहती हैं वो एक किताब में एक साथ आएंगी, तो उसी का ये उत्सव है। देखिए, जो आज गोष्ठी रखी गई है, ये मुंबई की इतनी सारी कवित्रियाँ हैं हमें आज ही मालूम पड़ा, क्योंकि ये इसका श्रेय मैं वाजपेयी जी को देना चाहूँगी, उनका धन्यवाद करती हूँ, आशीर्वाद संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी सारी कवित्रियों को एक बुक के अंदर एक दस्तावेज बना दिया उसका। तो हमें बहुत ही गर्व महसूस होता कि हम इतनी सारी कवित्रियाँ मुंबई के अंदर हैं। और अपनी कविताओं के बारे में यही कहना चाहूँगी, क्योंकि साहित्यिक मंच है, बड़ा ही गरिमापूर्ण मंच है, मैं हाथ से भी पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसे मंचों पर मैं हमेशा ऐसी, जैसी कि आपने तारीफ की, उस तरह की कविताएं पढ़ती हूँ जो हमारे समाज में जो विसंगतियाँ हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। ये कार्यक्रम तो बहुत खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि सागर में हमने गागर समाया है। 128
हिंदी की मुंबई की कवित्रियों को का संकलन आशीर्वाद संस्था ने निकाला है। इससे पहले मुंबई के कवियों का निकाला था जिसमें सारे मेल फीमेल कवि कवित्रियाँ सबका शुमार था। तो ये पहली बार हो रहा है और आशीर्वाद ने हर बार जब भी कोई कार्यक्रम किया एक उसमें नायाब चीज़ लाई है, हमेशा पहली बार किया है। चाहे वो 24 घंटे का लगातार होने वाला नॉनस्टॉप कवि सम्मेलन हो, चाहे वो सुरभि अवार्ड्स हो, महिलाओं का सम्मान हो, चाहे वो रात भर चलने वाला कवि सम्मेलन हो जो मुंबई में 1980 में पहली बार हुआ था। तो अभी हम आशीर्वाद 50वें साल के पड़ाव पर जैसे जैसे जा रही है वैसे वैसे हम और भी नए नए साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहेंगे और मुझे विश्वास है कि इन न्यूज़ चैनल हमारे साथ बना रहेगा। साहित्य हमारे समाज का आईना होता है और ऐसे में इस आईने का दायित्व समाज के हर पहलू को जनता तक यथार्थ तरीके से पहुंचाना होता है और इस तरह के आयोजन से न सिर्फ समाज के आईने को बल मिलता है बल्कि साहित्य के प्रति लोगों में रुचि पैदा होने में भी मदद मिलती है। कैमरामैन सदानंद सेट्टी के साथ अनिल सिंह, इन 24 न्यूज़, मुंबई।